नमस्कार दोस्तों, मैं हरेंद्र बड़ी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल टेक्नो फन में। जी हां, आज हम बात करने वाले हैं एक बड़े ही कमाल के स्मार्टफोन के बारे में जिसका हर इंडियन को बेसब्री से इंतजार था। इंडिया की सबसे भरोसेमंद कंपनी रही है मोबाइल फोन्स के मामले में। जी हां, मैं बात करने जा रहा हूं नोकिया 9 प्योर व्यू की, जो इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। 6 जून को ये इंडिया के अंदर लॉन्च हो सकता है। क्या क्या इसके स्पेसिफिकेशन होंगे इसके बारे में बात करेंगे। सबसे बड़ा इस फोन का हाईलाइट है वो है 5 रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल जाता है। पेंटा रियर कैमरा सेटअप इसके अंदर हमें मिल जाता है, जिसकी यदि बात करें तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 12-12 मेगापिक्सल के 3 मोनोक्रोम कैमरा सेंसर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं। यदि बात करें बाकी 2 बचे रियर कैमरा की, तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं 12-12 मेगापिक्सल के RGB कैमरा सेंसर इसके अंदर हमें मिल जाते हैं, जिससे फोटो आपकी होने वाली है भैया बड़े ही कमाल की। और यदि बात करें फ्रंट सेल्फी कैमरा की, तो उस पर भी नोकिया वालों ने पूरा जोर दिया है और हमें 20 मेगापिक्सल का एक जो है फ्रंट सेल्फी कैमरा इसके अंदर दिया है। इसके अलावा यदि बात करें इस फोन की बैटरी की, तो इस फोन के अंदर बैटरी हमें मिल जाती है 3320 mAh की बैटरी इसके अंदर हमें मिल जाती है। वायरलेस चार्जिंग सपोर्ट भी इसके अंदर मिल जाता है। 6GB 128GB वेरिएंट के साथ ये अवेलेबल है। और यदि बात करें इस फोन के बारे में थोड़ा सा और, तो इसके अंदर हमें मिल जाता है ड्यूअल नैनो सिम सेटअप इसके अंदर मिल जाते हैं। यानी ड्यूअल सिम आपका मोबाइल फोन होने वाला है, जो आजकल तकरीबन सभी मोबाइल फोन होते हैं। और इसके अंदर यदि प्रोसेसर की बात करें, तो इसके अंदर हमें स्नैपड्रैगन का 845 प्रोसेसर इसके अंदर हमें मिल जाता है, जो हमें बेहतरीन परफॉर्मेंस प्रोवाइड करवा पाएगा इस फोन के अंदर। और यदि बाकी तो इस फोन के अंदर सब नॉर्मल ही है। इसके फोन के अंदर हमें मिल जाती है 5.99 इंच की क्वाड HD+ डिस्प्ले इस फोन के अंदर हमें मिल जाती है। तो ये थे इस फोन के कुछ हाईलाइट्स। मेरे को उम्मीद है कि आपको फोन जरूर पसंद आएगा। फोन पसंद आए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, नीचे दिए गए रेड बटन को प्रेस करके यहाँ पे आपको मिल जाएगा, और पास में आने वाले बेल आइकन को भी जोर से दबा दीजिएगा। इससे आपको हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी और हमें आपके लिए नए वीडियो लेके आने की हिम्मत। तो कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर ये वीडियो आपको कैसा लगा। थोड़ा बहुत भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। हो सके तो आपके जो दोस्त जो टेक्नोलॉजी में जिज्ञासा रखते हैं, उन्हें इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यही था इस फ़ोन के बारे में। इस फ़ोन की हाँ प्राइस मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ, इस फ़ोन की प्राइस रेंज हमें क्या मिलेगी। इस फ़ोन की जो प्राइस है, यदि इंटरनेशनल मार्केट के अंदर हम इस फ़ोन की प्राइस डिपेंड करते हैं, तो 48,300 इंडियन रुपीज़ के आसपास इसकी प्राइस होती है। यानी ये फ़ोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है 45,000 से 50,000 रुपये की प्राइस के बीच में। ये फ़ोन हमें इंडिया के अंदर देखने को मिल सकता है। फ़ोन की फोटोएँ आपको वीडियो के अंदर इधर उधर या ऊपर नीचे कहीं देखने को मिल जाएंगी। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।